Hello students, today we are going to do our next exercise 16.2 from the chapter playing with numbers of class 8. So our first question is, if 2, 1, 5, this is a number, is a multiple of 9, where y is a digit, what is the value of y? अब उसने क्या दिया है, एक नंबर दे रखा है, ये नंबर कहता है 9 का मल्टीपल है और y कोई डिजिट है, तो हमें इस डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस डिजिट की वैल्यू क्या होगी। हमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो हमने डिविजिबिलिटी के रूल किए थे, डिविजिबिलिटी के रूल इसीलिए किए थे ताकि अगर उसने कोई नंबर दे रखा है वो किसी का मल्टीपल है तो हम उसे वहीं से चेक कर सकें। अब यहाँ पर हमारे पास आया 2, 1, 5, 9 का मल्टीपल है। 9 के डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो जितने डिजिट दे रखे हैं उनका सम चेक करना है। चेक करो 2 + 1 + y + 5। अब 2 + 1 3 हो गया, 3 + 5 कितना हो गया 8 + y आ गया। अब यहाँ पे y की वैल्यूज अब आगे क्या देखना है, प्लस करके तो इतना आ गया, क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब कोई नंबर ऐसा होना चाहिए यहाँ पे कि वो 9 का मल्टीपल आए। अब मैं यहाँ पे क्या ऐसा लिखूँ कि 9 का मल्टीपल हमारे पास बन जाए, 8 + अगर हम y की जगह 1 लिख दें तो कितना आएगा, 9 के टेबल में 9 आता है, इसका मतलब क्या हो गया कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ऐसे। अब देखो यहाँ सबसे पहले लिखोगे सम ऑफ डिजिट्स, वो आएगा 2 + 1 + y + 5। ये आ गया 2 + 1 3 + y + 5, फिर से कर लो 3 + y 5 8। ये 8 + y + नहीं होगा क्योंकि हमने लास्ट ईयर सारा यही किया है उसमें कि लाइक टर्म्स ऑलवेज प्लस होती हैं। लाइक टर्म्स मीन्स जिसके वेरिएबल सेम हो, यहाँ y है, अगर यहाँ इसके साथ y होता तो ये प्लस होता, अब ये प्लस नहीं होगा, यहीं पे छूट जाएगा। अब y की वैल्यू हमने पुट करके देख ली, पुट y = 1, ठीक है। अगर मैं ज़ीरो करती वाई को, यहीं देख लो फिर से, अगर हम 8y 8 + 0 करते तो कितना आता 8, तो 8 तो 9 के टेबल में नहीं आता ना, मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। ऐसे 8 + 2 करेंगे तो भी नहीं आएगा, कोई भी ज़ीरो से लेके 9 तक ऐसे वैल्यूज पुट कर करके देखो, आएंगी हमारे पास, नहीं आएंगी, तो सिंगल ही हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, तो हमारा आंसर ये आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 + 1 which is multiple of 9, so y = 1 is our answer। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है हमारे पास 3, 1, z, 5 is a multiple of 9, where z is a digit and what is the value of z। अब हमें फिर से यहाँ पे क्या करना है, आपको फाइंड आउट ही करना है। 3, 1, z, 5 एक नंबर दे रखा है, z उसमें मिसिंग है। अब फिर से 9 का मल्टीपल दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था आपने, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे। फाइंड करो सम ऑफ डिजिट्स, क्या आएगा 3 + 1 + z + 5। अब इसको प्लस करो, 3 + 1 = 4, 4 + 5 कितना हो गया 9, 9 + z आ गया। अब देखो यहाँ पे 9 के टेबल में जो जो जा रहा है, 9 के टेबल में सबसे पहले तो 9 ही आता है, अगर मैं यहीं z को 0 पुट कर दूँ, पुट z = 0, क्या आएगा 9 + 0, ये आ गया 9 which is multiple of, आप यहीं पे लिखो मल्टीपल ऑफ 9, ये भी हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई करगी z की वैल्यू। अब पुट करो, पुट z = देखो अगर 1 पुट करूँगी तो कितना आएगा 10, नहीं जाता, 2 पुट करेंगे नहीं जाएगा, 3 पुट करो 12 आ गया, 4 पे 13 आएगा, 5 पे 14 आएगा, ऐसे ही पुट कर करके देखो, फिर 8 पे कितना आएगा 17 आएगा, जब 9 पुट करेंगे तो 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। अब 9 के टेबल में 18 आते हैं, अब फिर से क्या आएगा 9 + 9, ये हो गया 18 which is multiple of
9, इसीलिए हमारे पास दो वैल्यूज आई जेड की, देयर फोर जेड इज इक्वल्स टू 0 और 9 आंसर। ये हमारी हो गई सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ 2 4x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अब मल्टीपल दे दिया 3 का, इसमें भी सेम करना है क्या, सम ऑफ डिजिट्स करना है, अगर तो 3 के मल्टीपल आएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले वही काम, फर्स्ट हमारा यही होगा कि सम ऑफ डिजिट्स करना है हमने, यह आएगा 2 + 4 + x, ये बन गया 6 + x। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 3 के टेबल में 6 जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0, 6 + 0 होगा तभी 6 बनेगा, पुट x इक्वल्स टू 0, ये आ गया 6 + 0 इक्वल्स टू 6, विच इज मल्टीपल ऑफ 3। अब आगे 1 पुट करो 7 बन जाएगा, नहीं आएगा, फिर 2 पुट करो 8, नहीं आएगा, फिर 3 पुट करके देखो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, पुट x इक्वल्स टू 3, यहाँ पुट करो क्या आएगा, 6 + 3 ये आ गया, चाहे आप यहाँ 1 लिखते जाओ, इन वन यहाँ पे भी लिख लो इन वन, कि 1 में पुट कर रहे हैं, 9 ये भी हो गया, विच इज मल्टीपल ऑफ 3, ये भी हो गया। उसके बाद 4 पुट करो 10 आ जाएगा, नहीं जाएगा ये, 5 पुट करो 11 बन जाएगा, ये भी 3 के टेबल में नहीं जाता, फिर 6 पुट करो 6 + 6 कितना हो गया, 12, अब कर सकते हैं पुट क्योंकि 3 के टेबल में 12 जाता है, x इक्वल्स टू 6 इन 1, अब क्या आएगा, 6 + 6 इक्वल्स टू 12, विच इज मल्टीपल ऑफ 3। अब नेक्स्ट आगे देखो, हम 0 से लेके 9 तक डिजिट कोई भी पुट कर सकते हैं क्योंकि सिंगल डिजिट 0 से 9 तक की बनते हैं। अब 7 पुट करेंगे तो 13 बन जाएगा, 8 पुट करेंगे तो 14 बन जाएगा, 9 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन 1, ये हमारे पास बन जाएगा 15, ये आ गया 6 + 9 ये हो गया 15, 15 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ मल्टीपल, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, देयर फोर एक्स इक्वल्स टू 0 3 6 9 इज आर आंसर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3 1 z 5, अगेन अ नंबर इज गिवन इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अब हमें फिर से ये मल्टीपल ऑफ 3 दे दिया, यहाँ पे z दे रखा है, ये मैंने z ही लिखा है, दिस इज ऑल्सो z, z इज अ डिजिट, वट माइट बी द वैल्यूज ऑफ z, जैसे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू फाइंड करी थी, सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या बनेगा, 3 + 1 + z + 5, ये हो गया हमारे पास 3 + 1 4 4 + 5 9 9 + z, इसको नंबर दे देंगे 1। अब देखो 3 का मल्टीपल मीन्स 3 के टेबल में वो वैल्यूज जानी चाहिए, अभी z को सबसे पहले तो पुट कर लो 0, z को 0 पुट किया इन 1, 1 में पुट करते जाना, ये आएगा 9 + 0 कितना आ गया, 9, 3 के टेबल में जाते हैं, विच इज मल्टीपल ऑफ 9, ये हो गया हमारा। उसके बाद पुट, अब देखो z को 1 पुट करके देख लो कितना बनेगा, 10, 9 + 1 10 हो जाएगा, नहीं बनेगा, अब z को 2 पुट करके देखो 9 + 2 कितना हो, 11, 3 के टेबल में नहीं जाता है, अब z को 3 पुट करके देखो 9 + 3 कितना हो गया, 12, अब ये तो जाता है, तो पुट z इज इक्वल्स टू 3 इन अगेन इक्वेशन नंबर 1, ये आएगा 9 + 3 कितना हो गया, 12, विच इज मल्टीपल ऑफ, ये ऐसे आपने लिखते जाना है, मल्टीपल ऑफ 3, अभी 3 पुट कर लिया, 4 पुट करके देखो 9 + 4 कितना हो गया, 13, नहीं जाएगा 13 3 के टेबल में, 9 + 5 कितना हुआ, 14, ये भी नहीं जाता उसके टेबल में, ऐसे 9 + 6 करो कितना हुआ, 15, इसका मतलब ये जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 15 तो जाता है, 9 +
सॉरी जेड इक्वल्स टू सिक्स क्या करेंगे, वन में पुट फिर से, ये आ गया 9 + 6 = 15 विच इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास पुट z इक्वल्स टू, अब देखो 6 पुट कर लिया, अब 7 पुट करो, 9 + 7 कितना हो गया 16, 3 के टेबल में नहीं जाता, अब 7 पुट करके देख लो, 7 करके ही देखा हमने सच 16 है, अब 8 पुट करो कितना आ गया 17, नहीं जाएगा, अब सीधे ही जाएगा 9, अब फिर से ये किया कितना आएगा 9 + 9 ये हो गया हमारे पास 18 विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास कितनी जेड की वैल्यू आ गई 0, 3, 6, 9, हम 0 से लेके 9 तक सारी वैल्यूज चेक करके देखते हैं, तो देयर फोर जेड इक्वल्स टू 0, 3, 6, 9 ये हमारा हो गया आंसर। ये इसी के साथ हमारी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ये हमारा चैप्टर नंबर 16 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ओके, अब आप ये एक बार देख लेना, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। डन, थैंक यू स्टूडेंट्स।